आज एक बच्ची अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने अड़ गई। पुलिस की गाड़ी पर सर पटकती रही बच्ची। दरअसल पिता पटाखा बेच रहे थे और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन बच्ची की ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो गई। और जब ये वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया। मामला उत्तर प्रदेश के खुर्जा का है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस पटाखा कारोबारी से हाथापाई कर उसे हिरासत में लेती नजर आई। कारोबारी की मासूम बेटी लगातार पुलिस के आगे गिड़गिड़ाती रही, सर पटकती दिखाई देती रही, फिर देर तक सर पटक पटक कर रोती रही, लेकिन पुलिस को उस पर तरस नहीं आया। हालांकि बाद में जैसे ही खबर मुख्यमंत्री योगी तक पहुंची, उसके बाद देखिए कैसे पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दिया, कैसे सारी तस्वीर बदल गई। मिठाई खिलाती नजर आ रही है पुलिस, पिता को तो छोड़ ही दिया, साथ ही घर पहुंचकर दिवाली भी मनाई गई, क्योंकि सीएम साहब का आदेश जो था। हालांकि उसके बाद बच्ची के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई। हाँ। कौन कौन आया घर पे दीपावली मनाने? एसडीएम मैडम आई है। हाँ? और सीओ पुलिस वाले अंकल आए हैं। अच्छा? और इंस्पेक्टर अंकल आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है दीपावली का त्योहार? बहुत अच्छा। तो पापा आ गए घर पे? हाँ। आपने बेटा, आपने पुलिस ने कुछ कहा था? नहीं। और इस मामले में अब पुलिस क्या बोल रही है, आप वो भी सुन लीजिए। आज खुर्जा नगर क्षेत्र में मुंडाखेड़ा रोड पर एक शिकायत मिली थी कि कुछ लोग आतिशबाजी बेच रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ पुलिस पहुँची थी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, पटाखों को जब्त किया था उनके, और जो आवश्यक कार्रवाई थी नियमानुसार करने की, उस कार्रवाई को किया गया था। आज शाम के समय लेकिन एक वीडियो क्लिप हमने देखी, जिसमें पुलिस की गाड़ी में उसके पिता बैठे हैं जो आतिशबाजी की दुकान चला रहे थे। पुलिस उनको लेकर जा रही है और बच्ची दुखी होकर गाड़ी का दरवाज़ा पीट रही है। ऐसी स्थिति में हालांकि विधि के अनुकूल पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी और बच्चे की जो स्थिति थी उसके दृष्टिगत पुलिस से थोड़ा संवेदनशील और मानवीय व्यवहार अपेक्षित था, जो कि उस समय नहीं दिखाई दिया उस क्लिप में। इस पर हमें भी कष्ट हुआ, उच्चाधिकारियों ने नाराजगी प्रकट की और SSP साहब ने, जो मुख्य आरक्षी हैं उस क्षेत्र के, जो उस समय मौजूद थे क्लिप में दिखाई दे रहे हैं, इस कृत्य के लिए उनको लाइन हाजिर भी कर दिया है। ये सब प्रक्रिया थी, लेकिन SDM साहब और हमें ये महसूस हुआ कि बच्चे का मन क्योंकि कोमल होता है, हालांकि उसके पिता को कोई गंभीर अपराध नहीं था, कुछ देर बाद ही थाने से जमानत देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन बच्चे का मन कोमल होता है, कहीं पुलिस के प्रति कोई नकारात्मक भाव उसके अंदर ना रह जाए, पुलिस की छवि उसके दिमाग में ऐसी ना बनी रह जाए कि पुलिस बहुत सख्त होती है, व्यवहार अमानवीय होता है। तो हमने निर्णय लिया कि हम ही बच्चे के साथ कुछ चलते हैं उपहार लेकर, उसी के साथ त्यौहार मनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे। हम SDM साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, बच्चे के साथ हमने कुछ समय बिताया, बहुत अच्छा लगा, हमें भी लगा कि शायद हम अपने बच्चे के साथ कोई त्यौहार मना रहे हैं, और बच्चे की खुशी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह बच्चा खुश है। एक संदेश भी छिपा है इसमें कि त्यौहारों की खुशी मात्र आतिशबाजी से नहीं है, खुशी मनाने के और बहुत साधन हैं, और वो खुशी आपको बच्चे से बात करके इसकी आंखों में, इसके चेहरे पे दिखाई दी होगी। सवाल तो ये भी है कि इतना बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया था कि पिता को इस कदर उठाकर पुलिस ले गई। ना जाने यूपी पुलिस कब अपने में सुधार करे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।